सभी को राधे राधे। नेचुरोपैथी के बारे में कुछ तो पढ़ा गया था, कुछ सुना गया था। यहाँ जब आया तो पहले दिन का सेशन जो हुआ 17 तारीख की शाम को, तो फिर जब जिसके बारे में बताया गया कई चीज़ों के बारे में, तो एक बार तो ये हुआ कि भाई बहुत कठिन है ये, लेकिन ये हुआ कि देखा जाए इसको करके हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ के जितने स्टाफ हैं और डॉक्टर साहब का सहयोग और शिवाजी का सहयोग इतना बढ़िया रहा कि कोई भी जो भी कठिन कार्य हैं जो नेचुरोपैथी में यूज हो रहे हैं उसको करने में बड़ी सुविधा रही। और 4-5 दिन उसको करने के बाद पहले दिन तो लगा कि कहाँ आ गए हैं, बियाबां में एकदम जो है कहीं कुछ नहीं। लेकिन आज जाते समय जिस एनर्जी लेवल को महसूस कर रहा हूँ और जिस मेंटल लेवल जो है इस समय हाई है जो महसूस कर रहा हूँ, उससे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ये लग रहा है वास्तव में जो कहा जा रहा है कि इसको 3-4 दिन का, बस 3 दिन का ही है, 5 दिन का मतलब 3 दिन का ही है, लेकिन इसको निश्चित रूप से आप कुछ लंबा खींचें तो आदमी एक बार एक अमाउंट में स्वस्थ होकर जाएगा। तो जब कुछ दिनों में 10-15 दिनों में ना कुछ उसकी आदत भी बन जाएगी वैसे ज़्यादा करने की, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बहुत ही विस्तृत ज्ञान डॉक्टर साहब ने दिया, शिवाजी ने जी ने दिया कि धार्मिक और जो भी औपचारिक जो भी व्याख्यान हुए यहाँ पे वो बहुत ही लाभदायक हैं और उनका पालन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा करूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी सतपति जी ने जो बताया कि उनके यहाँ परिवार है और उनको कैसे कैसे जो है वो करके मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमारे साथ जस्ट इसका उल्टा है। मेरे पास इसमें कोई परिवार नहीं, तो मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और यूज़ करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा। लेकिन फिर भी आपको आश्वासन देता हूँ कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उसका पूरा पालन किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा, प्रेरित भी किया जाएगा कि यहाँ पर आ जाकर अपना जो है, वैसे मेरा वज़न मैं दो ही तीन दिन में मुझको लग रहा है 2.5 किलो के आसपास करीब जो है वो कम हुआ है, 3 किलो के आसपास। हाँ नहीं, शुगर तो इसलिए नहीं कि शुगर जो है वो खाने के बाद पीपी था वो 185 और आज फास्टिंग का था 154। तो हालांकि शुगर जो है देखना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से हमने सुबह बात भी किया था तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि इसको उपचार लगातार करते रहिए, जितनी गंदगी है उसकी सफाई करते रहिए और पैरों को की सेकाई वगैरह करते रहिए लगातार, तो इसको फ़ायदा तो ये निश्चित रूप से मैं अपनाऊंगा और इसको करूंगा। और इन सभी कार्यक्रम में आप लोग बुलाने के लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है आप सभी लोगों को कि इतना बड़ा ज्ञान दिया गया और ये सारी चीज़ें बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद।